आने का मना कर देंगे ना, बोलेंगे ठीक हटाओ, इनके जो हाथ लग रहा है ना बोलते रमजान है आने दे आने दे। सही है, अब वो पुलिस वाले हम रोजा खा रहे हैं, ये नहीं पता गाड़ी में बैठ के वो चरस पी रहे हैं, रोजा खा रहे हैं। मंडी महंगा यहाँ सस्ता बिकता है। आपने स्ट्रॉबेरी कितने का किलो दिया भाई साहब? वहाँ पर तो वहाँ पर भी तो भेजो ना इनको भाई, मंडी जाओ मंडी है। मंडी एरिया से केले कैसे दे रहे हैं आप? कच्चा निकला दो वापसी। एरिया से ठीक है, ये क्या चीज है? ये गुलाची 600 बेच रहे अल्लाह के बंदे। कवरेज करने के लिए आया हुआ है, आपको दिखाते कि कवरेज किस तरीके से की जाती है। खरखरिया से ठीक है, ये क्या चीज है? ये गुलाची। गुलाची जी मतलब सर्दा गर्मा? गुलाची अलग होता है, गर्मा अलग होता है, सर्दा अलग होता है। वो गर्मा है पीला वाला? वो पीला वाला गर्मा। अच्छा ये गुलाची, ये कैसे दे रहे हैं आप? ये 200 180 70 यही रेट चल। 180 70 रमजान से पहले भी इसका यही रेट था? यही रेट। ये कम था यार रमजानों से तकरीबन 10 दिन पहले ये थोड़ा कम था, अभी महंगा है। कितना? 10 दिन में मतलब इसका एक कार्टन अभी 2019 2018 से कम मिलता ही नहीं। पहले कितने का था? पहले 1200 1300 1400 का। ये और ये कितने का दर्जन दे रहे हैं आप बाल्टे? ये 300 रुपए। इसका तो सीजन अभी खत्म हो गया? नहीं खत्म हो गया, इसके लिए महंगा पहले से इसका था। तो ये स्टोर का माल है सारा? स्टोर का माल। अच्छा तो गर्मा कैसे दिया आपने? गर्मा ये वाला 100 रुपए किलो। ये 100 रुपए किलो है? 150 रुपए। हाँ ये अच्छा अमरूद 150 रुपए किलो जी। पहले भी इसकी यही रेट थे? पहले भी रेट मतलब चीज में फर्क होता है, अभी 150 में भी चल रहा है 200 में। अच्छा, भी आपको इसमें कोई परेशानी हो रही है? कैसे कारोबार के अंदर जैसे मतलब जब महंगा है माल अभी परेशानी है, जब महंगा होता है। अच्छा गिरा कम लेता है, कम गिरा। तो आपका रोजाना का कितना मतलब आप दिहाड़ी बना लेते हो आप? मुनाफा फर्क पड़ता है मतलब चीज वहां से सही आ जाए तो यहाँ थोड़ा मुनाफा भी बच जाता है। अंदाजा मुताबिक कितना बना लेते हो? 1800 बस। दो बंदे अभी, एक चला दो बंदे हम चला, एक लाता है हम बेचता है बस। स्ट्रॉबेरी कैसे दिया? 5 रुपए किलो। स्ट्रॉबेरी कैसे दिया? ये 5 रुपए किलो या 4.5 रुपए किलो? ये 5 रुपए किलो, 4.5 रुपए किलो। 600 बेच रहे अल्लाह के बंदे। सेम कैसे दिया आपने? सेम 300 रुपए किलो। 300 रुपए किलो? 300 रुपए किलो। हाँ 300 ना। गोल्डन सेब है? हाँ गोल्डन सेब। ये वाला? ये वाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई जान? ठीक है भाई। खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। केले कैसे दे रहे हैं आप? केला 150 रुपए। 150 रुपए दर्जन जी। ये आप लिस्ट के हिसाब से दे रहे हैं या अपने हिसाब से? बस भाई जिस हिसाब से पीछे से आते हैं उस हिसाब से दे रहे हैं। केला कितने का दर्जन भैया? 150 200 रुपए। 100 रुपए किलो। कैसे किलो दिया भाई? ये 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो। हाँ कच्चा निकला तो? ना कच्चा निकला तो वापसी। वापस? हाँ काट के देंगे? हाँ काट के दे चेक करके। हाँ और अगर 5 किलो ले तो? 5 किलो काट के दे। 5 किलो के 5 किलो काट के दे। हाँ अभी सस्ता हुआ या पहले सस्ता? ये पहले महंगा था, ये अभी हुआ है सस्ता। पहले कितने का किलो था? पहले था 150। 150 रुपए किलो। हाँ ये 2-4 दिन हुए सस्ता। हाँ ये रमजान शरीफ की वजह से। हाँ सलाम वालेकुम। पिता कैसे दिया? 200 रुपए किलो। चेक करके देंगे? क्या मतलब? काट के जैसे तरबूज को काट के चेक करके दे रहे हैं, मीठा है तो ठीक है वरना फीका तो रख लेंगे। हाँ चेक करके। चेक करके देंगे, फीका हुआ तो आप रख लेंगे? बिल्कुल तो चेक करके देंगे। पपीता भी अस्सलाम वालेकुम भाई जान, कैसे दे रहे हैं आप? ये 200 रुपए दर्जन है। दर्जन के हिसाब है ये? रमजान से पहले भी यही रेट था या अभी भी यही रेट? रमजान से पहले भी इसका यही रेट था। पहले भी यही रेट था? बिल्कुल अभी ये रेट है अभी। और ये मार्केट क्या कह रहे हैं, होलसेल मार्केट है या रिटेल? होलसेल मार्केट है, फ्रूट सस्ता है, मंडी महंगा यहाँ सस्ता बिकता है। तो ये कहाँ से आता है आपके पास? भाई नुकसान कर रहे हैं ना, अभी रमजान में 30,000 नुकसान कर रहा है, किधर से पूरा करेंगे बताओ? ईद के बाद कमाएंगे, रमजान में काम नहीं है, ये सब कहने की बात है। ये आप अपनी तरफ से डिस्काउंट दे रहे हैं? अपनी तरफ से डिस्काउंट क्या देंगे, हम कोई जागीरदार थोड़ी है,
लाओ माल बिकता नहीं है, महंगा माल कौन लेगा। रमजान से पहले 200-150 बेच रहे थे, अभी 200 रुपए हो गया, अभी 200 रुपए बेच रहे हैं, क्या करें। 500 के बैठे थे, अभी 900 की तो वहां वजह क्या, यानी कि मंडी महंगी हो, वजह मंडी बहुत तेज है भाई। वहां पर तो वहां पर भी तो भेजो ना इनको भाई, मंडी जाओ, मंडी एक दफा जाओ, वहां का सर्वे करो। अच्छा, मंडी नहीं जाता कोई मीडिया वाला, कोई वहां कोई नहीं जाता, वहां कोई यहां आकर ठेले वाले यहां पकड़ेंगे, पुलिस वाले भी, मीडिया वाले भी, आगे पीछे के लोग भी, कोई मिनिस्टर आ जाएगा लिस्ट वाला, हाँ भाई ये महंगा भेज रहा है, मंडी कोई नहीं जाता वहाँ। आपके पास आते हैं लिस्ट लेके? हाँ, रोज आता है कमिश्नर बाजार में, इधर लिस्ट लेने कोई नहीं था, कमिश्नर बाजार रोज आता है इधर, लिस्ट आई है पहले रोजों से शुरू। मतलब आप जो लिस्ट के हिसाब से चला रही है, लिस्ट के हिसाब से, लिस्ट से भी कम रेट पे बेच रहे हैं हम लोग, तो इस बाजार में महंगाई नहीं है, हर चीज सस्ती है। कमिश्नर रोज आ रहा है इस बाजार में, किसी का चला नहीं होता, रेट मुनासिब है इस बाजार में। इस बाजार का नाम क्या है? इस बाजार लैंड एरिया, लैंड एरिया, हाँ, पार्किंग प्लाजा, पार्किंग प्लाजा लैंड एरिया, लैंड पार्किंग। चले फरूट वाले की रेट लगा के चले आए, क्यों? फरूट वाले है ना, वो ये चाहते हैं हम डिस्काउंट में बेचें, ठीक है। हाँ, और हमारी कोशिश यही होती है भाई, रमजान के अंदर डिस्काउंट और जरूर बेचें, बिल्कुल, ठीक है। पीछे भले माल महंगा है, इधर हमारा भले 1 लाख का नुकसान हो जाए, 1.5 लाख का नुकसान हो जाए, वो खिलाना है बस, समझे। हम चाहते हैं दुआएं लें, लेकिन इधर मीडिया वाले आते हैं, ये समझते हैं ये लोग महंगा बेच रहे हैं। हाँ, पीछे से आते हैं, दो नंबर पुलिस, दो नंबर हर कोई। हाँ, और आगे चलान ठोक देते हैं, चलान ठोक देते, ना वो चलान का कोई पर्चा, ना कोई चलान की इशू। अच्छा, तो आप क्या दरखास्त देना चाहोगे? क्या दरखास्त देने चाहेंगे, बस गरीब पीस रहा है। अच्छा, अभी ईद बनानी है, लाओ कपड़े दिला दो, 2 लाख रुपए का नुकसान कर लिया हमने, कौन दिलाएगा कपड़े लगते हैं। आटा है देखो कहाँ जा रहा है, आप बदलाओ, बिल्कुल बिल्कुल, आप तो नहीं दिलाएंगे ना सर। ना भाई ने बोला भाई कम करो कुछ, भाई आपको चीज अच्छी लगी, आपने डेढ़ सौ में सही लिया, ये रेट वैसे 200 भी बिक रहा ना सर, बस ठीक है। तो तरबूज में जो बात करेंगे ना भाई, पूरी पक्की मोर लगा के करेंगे, कोई कच्ची बात नहीं होगी, इतनी भी बात करूंगा सर। चोर हम भी हैं, हम भी अब कहते हैं हाँ भाई हम भी चोर है। हाँ, लेकिन क्या, जब आते हैं ना लूट लुटाने वाले ले जाते हैं। अच्छा, और तो ये जो आप ठेला खड़ा करते हो यहाँ पे, इसका पुलिस जो आते हैं आपसे कुछ लेते हैं? सबका चलता है भाई, आपसे दिन का मैं क्या बोलूंगा, फिर जिनके जो हाथ लग रहा है ना, बोलते रमजान है आने दे, आने दे, सही है। अब वो पुलिस वाले, हम रोजा खा रहे हैं, ये नहीं पता गाड़ी में बैठ के वो चरस पी रहे हैं, रोजा खा रहे हैं। हाँ भाई, अगर हम खा रहे होंगे भाई दे दो 2-3 सौ, नहीं भाई दाना दे दो। अब अगर दाना हम छोटा देंगे ना, बोले नहीं ये छोटा है, नहीं बड़ा दे दो। मतलब आपका, अगर दाने का मना कर देंगे ना, बोलेंगे ठीक हटाओ, ठीक हटाओ। बस यही बात है कि पुलिस वालों के लिए, पाकिस्तान का हमारा मुल्क है, रोड है, बिल्कुल है, हमारे को फुल आजादी, हमारे को फुल भाई रोजी रोटी का हक है। हाँ, है, है। किसी को कोई कमाने नहीं देता भाई, कमाने नहीं देता। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ, देखो कि पुलिस वालों को, गरीब लोगों को, गरीब लोगों को नहीं तंग करना चाहिए, नहीं तंग करे ऐसे खामा खा इनके ये जो है ठिए लगे हुए हैं। लेकिन इससे ये आपको इसलिए रोकते हैं क्योंकि उससे ट्रैफिक का मसला होता है ना। ट्रैफिक की बात सही है, जब हमें खुद की ट्रैफिक नजर आती है ना, अगर कोई बाइक वाला हमारा खा का है, हाँ, ट्रैफिक नजर आ रही है तो हम, हाँ, बाइक वाले को बोलते हैं साइड में, अगर ट्रैफिक नजर आ रही है हम अपने ठेले को अंदर खुद डिवाइड कर देते हैं सर, ठीक है, समझ रहे आप बात। अगर हम ही ट्रैफिक को जाम करेंगे तो फायदा क्या, ट्रैफिक जाम ही होगी ना, तो बिना हमें दिखती है तो हम खुद अंदर भी कर लेते हैं सर। सही लोग हैं ना, उनके साथ साथ जो मुनाफाखोर लोग हैं ना, उनकी वजह से सही लोग किसे जाते हैं। बस ये बात है सर। बेटा क्या नाम है आपका? मुस्तफा। मुस्तफा, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? आठवीं क्लास में। आठवीं क्लास में, माशाल्लाह। क्या क्या कर रहे हो? पापा का हाथ बटा रहे हो? चीकू का भाग लिया हुआ, इसमें ठेका लिया हुआ, चीकू के भाग का, चीकू के भाग का ठेका लिया हुआ था। आपने स्ट्रॉबेरी कितने का किलो दिया भाई साहब? 400 का, 120 रुपए पाव। ये वाली 400 रुपए किलो है, और ये वाली बड़ी वाली 150 रुपए पाव किलो, 500 का ये 500 रुपए किलो हो गया बड़े वाले, ये और वो एक ही रेट है। मसने ये दोनों बड़ी बड़ी छाटी किया हुआ है, एक एक दाना बड़ा है। ये क्या चीज है? शहतूत, काले वाला शहतूत है। शहतूत है? हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। ये क्या हिसाब है? 100 रुपए पाव। 100 रुपए पाव, 400 रुपए किलो हो गया। हाँ, चले, बहुत शुक्रिया। हाँ बिल्कुल, बड़ी बड़ी है ये, 500 रुपए। हमने इन्फॉर्मेशन लेनी थी फ्रूट्स वगैरह वालों से, वो हमने ली है, उनके जज्बात हमने बाहर निकाले किसी ना किसी तरीके से, अवाम तक कुछ आए, और अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं और।